राधे राधे। मैं जुजादन, आज मैं आपको बता रही हूं कि 5 से 10 हजार के निवेश में आप ये 5 बिजनेस एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिजनेस की एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें इन्वेस्टमेंट काफी कम है और प्रॉफिट काफी अच्छा है। तो आप एक करें या पांचों इकट्ठे करें, तो एक एक करके मैं ये 5 बिजनेस आपको बता रही हूं। तो आप ये हमारा पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो मैं कहना चाहूंगी अपने सारे व्यूअर से कि आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे जो भी हमारे नए वीडियोस अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो मैं आपको 5 बिजनेस बता रही हूँ, इन 5 बिजनेसों की जो फुल वीडियो है वो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दी है। तो आप वहां से ओपन करके इन 5 वीडियोस को आप वॉच कर लें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करने के बाद आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, फिर आपको वीडियो की लिंक उसमें मिल जाएगी। इसमें पहला बिजनेस है खड़े गर्म मसाले के 10 रुपये और 20 रुपये के पाउच बनाकर बेचना है। तो इसमें लागत कॉस्ट को कम रखने के लिए तेज पत्ता और पत्थर के फूल जैसे आइटम को ज़्यादा और जावित्री चक्रफूल जैसे महंगी चीज़ों को इन पैकेटों में नहीं रखा जाता है, नहीं तो आपकी लागत कॉस्ट बढ़ जाएगी। और साथ ही आप इलायची सौंफ जीरा काली मिर्च की अलग अलग 5, 5 और 10-10 रुपये वाली पैकिंग भी बनाकर सेल कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस जो है वो है माउथ फ्रेशनर का। इस माउथ फ्रेशनर का जो रॉ मटेरियल है वो आपको आपकी सिटी में ही मिल जाएगा और बेचने के लिए आप इसको किराना शॉप और पान की शॉप पे आप इसको बेच सकते हैं। और इसका जो यूज होता है वो शादी पार्टी फंक्शन और जो होटलों में इन सारी जगह पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इस वीडियो की जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से इसका फुल वीडियो देख लें। और तीसरा जो बिजनेस मैं बता रही हूँ वो है सूटी सुपाड़ी का। सूटी सुपाड़ी का जो रॉ मटेरियल है जो आपकी सिटी में जो सुपाड़ी वगैरह बेचते हैं उन पे आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप दिल्ली के जो खारी बोली है वहाँ पे इसके बहुत सारे सप्लायर हैं, तो वहाँ से आप इसका रॉ मटेरियल लेकर आप अपनी सिटी में ही इसको बेच सकते हैं। और इसका जो उपयोग है वो बहुत ही ज़्यादा है और कई कंपनियाँ हैं जो इसी का बिजनेस करके करोड़ों का टर्नओवर कमा रही हैं। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है ये, तो आप लोकल में ही इसको अच्छे से सेल करके काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब स्वीटी सुपाड़ी और माउथ फ्रेशनर की बात हो रही है तो फिर हम चूने को कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पे ये स्वीटी सुपाड़ी और माउथ फ्रेशनर बिकेगा वहीं पे चूने की भी सेल होगी। और इस चूने का सबसे ज़्यादा यूज होता है पान में, और गाँव देहात में तो हल्दी मिलाकर इस चूने को चोट मोच पर भी लगा लिया जाता है। तो इसकी भी सेल जो है वो किराने की दुकानों पाने की दुकानों पे सबसे ज़्यादा अच्छी सेल मिल जाएगी। पांचवा और लास्ट बिजनेस जो मैं आपको बता रही हूँ वो है फिनाइल का। इस फिनाइल के बिजनेस को आप 400-500 रुपये का कंपाउंड लेकर आप इनको बोतल में भर के सेल कर सकते हैं। और इसकी जो खाली बोतल जो होती है वो आप कबाड़े वालों से परचेज कर लें, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जो पानी की बोतल जो खाली होती हैं वो कबाड़े की शॉप पर आती हैं, तो आप वहाँ से इनको लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो 5 बिजनेस हैं वो आपके 5 से 10 हजार में शुरू हो जाएंगे, और इनका जो महीने का जो टर्नओवर घूमेगा उसमें आप 30 से 40 हजार महीने में कमा लेंगे। और इन सारे वीडियोज की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से फुल वीडियो आप वॉच कर लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ऐसी और वीडियोज के लिए। बाय बाय। मेक इन इंडिया।